बिना एंटरटेनमेंट के रोटी नहीं खा सकते, उनकी रोटी ठंडी हो जाए उनको कोई परवाह नहीं, बट एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट का बादशाह हूं। मैंने उनको कहा था कि देखते हैं, पर मैं उसके बाद शॉपिंग करने के लिए चली गई कल अकेले, उन्होंने पिछले सारे एपिसोड ही देख रखे। ओके, सो ये है मेरे प्यारे पति, जिन्होंने ना आ लकी ब्रांड तो लिया अपना स्वेट सूट, बस उदन का ही फायदा। जिदा एक अथरा न्याणा होता है ना, जिसको जो नया कपड़ा ले दो कह रहा कि मैं वही पहनूंगा, वैसे वो कल के पहन के बैठे हैं। मैं जोंदा पाया, मैं लकी फील करता पया क्यों लावा। पर ये घर दे विच ही एडी वार्म एंड कोजी बन के बैठी है, मैं क्यों लावा, मैं तो लकी फील करता हूं। ओके दोस्तों, तो हमारी लंच का टाइम है, हम लोग खाने वाले हैं क्यूकम्बर्स खूब सारे, एंड मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है। और चिकन बिरयानी मैंने नहीं बनाई है, हमारे पास एक पिद्दी सा रेस्टोरेंट है जहाँ से हम लेके आए हैं, वैसे वहाँ से हम ज़्यादातर खाते नहीं हैं, पर कल हम बहुत बिजी थे तो उनकी डील थी 1-on-1, सो एक कल खा ली एक आज खाएंगे हम दोनों। एंड मेरे पति ऐसे हैं कि वो बिना एंटरटेनमेंट के रोटी नहीं खा सकते, उनकी रोटी ठंडी हो जाए उनको कोई परवाह नहीं, बट एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट का बादशाह हूं मैं। और ये कितनी देर सांस चाहे चले ना चले, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी। कैंडी निकाल के देखन दी शी। ओके दोस्तों, तो हस्बैंड कितना टाइम लगाते हैं कुछ ढूंढने के लिए, कितना टाइम और फूड ठंडा हो जाता है। सो ये पति की स्टोरी है, मेरी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। ओके दोस्तों, तो मैं भी हस्बैंड के साथ थोड़ा खाने वाली हूँ, एंड हस्बैंड वेब सीरीज देख रहे हैं, कैंडी शी उनको अच्छी लगी है। मैंने उनको कहा था कि देखते हैं, पर मैं उसके बाद शॉपिंग करने के लिए चली गई कल अकेले, उन्होंने पिछले सारे एपिसोड ही देख रखे। ओके सो मैं आ गई हूँ हिम्मत को पिक करने के लिए, और बहुत ज़्यादा विंडी है, और हमारे घर के पास ये ट्रेन स्टेशन भी है, चूचू की आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको। सो या दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। Turning as a calling, reach out. All is going wild, I can't even get through the night. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can't get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Maybe touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy at day. I keep my schedule up, filling it with meetings and stuff. Can I get a small steep tea? One cream, one sugar, please. Where are you off my friend? Maybe you could love me. Hello दोस्तों, so मैं बाहर आ चुकी हूँ अगेन, क्योंकि कई चीज़ें मैं कर रही हूँ मेरे घर में, हैंडी मैन वाली, थोड़ी सी मदद हस्बैंड भी कर रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा हैंडी मैन नहीं है। सो मेरे घर का हैंडी मैन मैं हूँ, बल्ब चेंज करना, टूटी हुई चीज़ का फिक्स करना, जो भी है ज़िंदगी का घर का हिस्सा वो मैं ही करती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा हैंडी मैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है चीज़ें फिक्स करना, एंड मैं कर पाती हूँ। मेरा डिश वॉशर ख़राब हो, उसकी चीज़ें पार्ट रिप्लेस करके उसको फिक्स कर देती हूँ मैं, कुछ भी जो भी मेरे हाथों में है वो सारा कुछ कर लेती हूँ। सो उसी के चलते मैंने 5-6 चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं फिर से होम डिपो पहुँच रही हूँ, एंड चाय ली है आज मैंने टिम हॉर्टन से, क्योंकि मेरी कॉफ़ी मशीन अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जो वाला स्टाइल मुझे पसंद है वो बाज़ार में मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, बहुत छोटे छोटे मिल रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 कप पानी आता है। तो आई डोंट नो, इन्होंने ना आई थिंक वो वाला स्टाइल ही बनाना बंद कर दिया या क्या है। सो मैंने मेरे लिए चाय ली है, वैसे मैंने मेरे लिए स्मॉल चाय ली है, इसको पीती हूँ एंड देन मैं अंदर जाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। आज ना मेरा बहुत अच्छा दिन नहीं है मेरी सेहत का, आज मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन है, मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन है, पैरों की उंगलियों में पेन है, एंड हैंड्स की उंगलियों में भी पेन है। सो आज वो वाला दिन आ गया जब मैं काफ़ी ज़्यादा लो हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ दिन को निकालने की कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली हूँ, हेल्दी हूँ। सो आज मेरा काफ़ी ज़्यादा बुरा वाला दिन है,
मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं शूट करने वाली हूँ, मेरा आ रहा है अपडेट, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन हमारे घर पे कोई आ गया था और काफ़ी समय उसमें निकल गया। जब आपके घर में कोई अनप्लान्ड आ जाता है ना, तो फिर आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, आपका जो भी टू डू लिस्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सारा कुछ हिलजुल जाता है। सो फिर मैं नहीं कर पाई, व्लॉग भी मैंने बड़ी मुश्किल से उस दिन पूरा किया था, पर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। आज भी करना चाहती थी, आज भी नहीं। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं सेफोरा में VIP सेल चल रही है कि जो भी मुझे प्रोडक्ट सेफोरा के पसंद है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ सेल का, क्योंकि जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने टेस्ट किया है कितने सालों से, वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप उनमें इन्वेस्ट कर पाएँ अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है और आप मेरे जैसे रिजल्ट ढूंढ रहे हैं। सो वो करना चाहती थी मैं, वो भी नहीं कर पाई। कोशिश करूँगी कि कल करके कल अपलोड कर दूँ, ताकि दो तीन दिन है अभी सेल में आप खरीद पाएँ। सो यही अपडेट चल रही है। मैं आराम से चाय पी के अंदर जाऊँगी, चाय ना काफ़ी गर्म है, चली जाती हूँ पहले अंदर। अंदर जाके तो फिर पी भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद मुझे आपके साथ एक बड़ी खबर भी शेयर करनी है, आई डोंट नो कब करूँगी पर करूँगी जल्दी। एंड यस, हमारे घर में बेबी नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद है अपनी मत चमका लेना कि ओ बेबी। बालों में से ऑयल इतनी बुरी तरह निकल चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई डोंट नो, मेरी से ना बाल थोड़े ज़्यादा ही जल्दी ऑयली होना शुरू हो गए हैं। घर आके मैंने शूट कर ली है वीडियो मेरे फेवरेट सेफोरा प्रोडक्ट्स, जो मैं बार बार खरीदती हूँ और मैं जो रेकमेंड करूँगी, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर सेफोरा की सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से उठा लें, अदरवाइज सेल खत्म हो जाएगी फिर क्या फ़ायदा। सो दैट्स इट। एंड चाय पीने के बाद मुझे काफ़ी फुर्ती आई थी। हस्बैंड ने कहा था कि चाय मेरे लिए भी लेके आना, पर मैं सोचा कि शड्डो भरा हूँ, अन्नी रात को कौन चाय पिएगा। सो पति के लिए मैं नहीं लेके आई हूँ, अपने लिए लेके आई थी मैं। एंड अब कोई खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ, मैं भूखे रहूँगी क्योंकि मैं पतले होना चाहती हूँ। सो फिलहाल मेरा वेट है 67। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया 68 था ना, 67 एंड 66 के बीच में इधर उधर होता रहता है, और मैं चाहती हूँ कि 60 हो जाए। एंड या 60 करूँगी मैं, एक आधे महीने में 60 कर ही लूँगी मैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पूछ सवार हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एंड अगर बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं मेरी हाइट क्या है, मेरी हाइट 5'7" है एंड मेरा वेट, करंट वेट 67 kgs है, पर मुझे चाहिए 60। पहले मैं चाहती थी 65, बहुत मन्नतें एंड दुआएं करने के बाद मुझे 65 मिला था, पर अब मुझे वेट चाहिए 60। क्यों मुझे भी पता नहीं है, बस मैंने 60 चाहिए। होपफुली मैं कर लूँगी एक आधे महीने में, देखते हैं। आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। हाय एवरीबॉडी, आई एम ईटिंग एग ब्रेड। व्हाई यू ईटिंग एग ब्रेड एट डिनर टाइम? लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू? बिकॉज़ फर्स्ट एग ब्रेड डन, डिंग 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 डिंग, व्हाट इज दैट? पॉपकॉर्न। You like popcorn? Yes. Why? Popcorn. Because it's... Guys, in a rapper ban jata hai mari mari gal pe. So Himmat, I'm gonna ask you a few questions. Are you ready? So do you think your mommy's fat? Say it. No. And do you think your daddy's fat? Yes. Thanks. Do you think you are fat? No. Guys, हिम्मत का कल टीथ टूट गया और उसे टूथ फेरी ने कल कितने डॉलर देते? Five. हिम्मत कह रहा है कि उसके दंद जैसे दंद टूट रहे हैं और कमाई कर रहा है, वो इसी तरह वो एक दिन बिलियनियर बन जाएगा। हिम्मत के तीन दांत पड़े हैं टूटने के लिए, और इससे पैसे का इसका लेवल है $1 billion। देख लो कितना दिन दिया टूथ फेरी। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने और हिम्मत ने थोड़ी सी किताबें रीड की है उसके ऑनलाइन प्रोग्राम में, और अब हिम्मत ब्रेक ले रहा है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ये वाला फाउंडेशन मैंने ट्राई किया था आई थिंक साल की शुरुआत में, और आपने ऑलरेडी मेरी किसी वीडियो में देखा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज काइंड का फाउंडेशन है, पर पाउडर फाउंडेशन है, सो ऑयली स्किन वाले दोस्तों के लिए परफेक्ट है। और अगर आपकी स्किन पे स्कार्स हैं एंड आप फाउंडेशन नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इससे और ज़्यादा कवरेज आ जाएगी एंड आपका फेस सेट भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा कवरेज हो जाएगी। सो मैं जो शेड अब तक यूज़ कर रही थी वो है 220। मैंने इसके दो पैन्स को काइंड ऑफ हिट कर दिया है, पर ये जो शेड है मेरे ऊपर थोड़ा सा डार्क था। सो और शेड्स वहाँ पे मिलते नहीं है क्योंकि हमेशा सोल्ड आउट होते हैं, पर आज मुझे मिल गया है। ये जो शेड मेरे साथ परफेक्ट मैच है वो है 140 गोल्डन बेज, और ये 220 था। सो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क था, बट मैं मैनेज कर रही थी कैसे कैसे भी क्योंकि इसकी कवरेज मुझे बहुत पसंद थी। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्किन मेरे जैसी है तो आप 140 ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा मैच है मेरे फेस पे। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं जो हाई एंड पाउडर फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि इसका मुकाबला नहीं है ड्रग स्टोर में और कहीं, ये पूरा हाई एंड के मुकाबले का है। सो ज़रूर से ट्राई करें अगर आपके चेहरे पर स्कार्स हैं एंड ऑयली स्किन है आपकी। अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं सेटिंग स्प्रे के साथ या फिर कोई नीचे प्राइमर लगा के। सो ये फालतू इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी मैं। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि आज मैं जल्दी आराम करने के लिए चले जाऊँगी, 8:30 हुए हैं, मुझे थोड़ा सा नीचे जाके क्लीन अप करना है। खाना मैंने कुछ भी नहीं है, अनार खाया मैंने कल की तरह, कल खाया था अनार मैंने, कल भी मैंने डिनर में अनार ही खाया, परसों ओके अदर डे भी मैंने डिनर के लिए अनार एंड ऑरेंजेस खाए थे। सो मेरा डिनर हो चुका है एंड हम डे के साथ ऑलमोस्ट डन है। मैं आपको मिलूंगी कल एंड थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करें, अगर बार बार आते हैं सब्सक्राइबर नहीं है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, उससे मुझे बहुत मदद होती है। वीडियो को थम्स अप ज़रूर दिया करें क्योंकि उससे फिर ना मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है। कमेंट में भी कुछ ज़रूर से लिखा करें। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, कल मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें दोस्तों, हर एक दिन को फुल फ्लेज जी लें। ज़िंदगी का, हमारे जीवन का मोटिव ही फुल फ्लेज लाइफ जीना है। किसी को खुश करना, पैसे कमाना, आलतू फालतू चीज़ें तो होती रहेंगी, पर आप पूरा जीवन को जिएं खुशी से, एवरी डे जिएं। बाय okay.